तो देखिए ये रेडी है, पूरा रेडी है। अभी ये बकलावा जो बना है वो पूरा रेडी है, उस्ताद ने बना दिया इसको। अभी उस्ताद इसको पहले इंग्रेडिएंट से ये मिल्क पाउडर, आटा, कोको पाउडर, ये शुगर, ये मिल्क मेड, ये नमक, वो घी है। ओके तो व्यूअर्स मैं बता दूं आपको, इसमें मिल्क मेड है, मैदे का आटा है और मिल्क पाउडर है और कोको पाउडर है, शुगर है और घी है। इन सबको डाल के मिक्स ब्लेंडर में मिक्स किया गया है और उसके बाद इसका सूखा डो आटा बनाकर इसको बेला गया है। ठीक है, सात चार पांच चपाती पतली पतली बनाकर एक के ऊपर एक रख के फिर रोल किया है और वो लास्ट में ऐसे तैयार हुआ है। अभी उसका जिसको कट कर रहे हैं। ओके देखिए ये कैसे कट कर रहे हैं वो देखिए पहला। देखिए व्यूअर्स किस तरह से ये कट हो रहा है। ठीक है, ये कटिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये लास्ट लेयर है। ठीक है, देखिए ये कट चुका है। तो कट आएगा ये सेम सेम एक पीस सेम सेम। ये मेरे हाथ में रखी, ये एक पीस है, ये ऐसे एक एक पीस कट हुआ है। ठीक है, मैं इसे लगा देता हूँ। अभी इसके ऊपर वो घी पोर करेंगे, असली घी है, किस कंपनी का है वो भी हम दिखा देते हैं आपको। असली है ये, मतलब इंडिया में तो ये RKG ये अच्छा वाला घी डालेगा। असली घी है, बिल्कुल ओरिजिनल घी है, UAE में ऑलरेडी रेडी कंपनी का घी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ लिखा भी है टॉप शेफ क्वालिटी, नीचे देखिए आप देख रहे होंगे प्योर घी। देखिए ये घी इस पे पोर कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी महंगी डिश है ये, क्योंकि इस क्वांटिटी में असली घी का डालना, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घी की इस स्वीट्स की कीमत क्या होगी। और अरबी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, ये उनकी फेवरेट डेजर्ट्स में माना जाता है। तुर्की की भी ये बहुत फेवरेट डिश है। देखिए कितना घी इन्होंने इसमें डाला है, बाप रे, फुल फैट। लेकिन ओरिजिनल है, असली घी है, देसी। और ठीक है, इतना घी इन्होंने अभी डाला है। देखिए दोस्तों क्या स्मेल आ रही है घी की, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल इस घी की। देखिए 15 किलो की ये बाल्टी है, बकेट है। अभी हम इतनी बाकी है, अभी ये बस ये हो चुका है। अभी बस इसको बेक करेंगे। कितने डिग्री पे होता ये? 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री पे से बेक किया जाएगा। कितना टाइम के लिए? एक घंटा। 1 आवर 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम बेक करेंगे। उसके बाद ये रेडी होगा। रेडी होने के बाद शुगर की चाशनी, शुगर सिरप बनाएंगे और इसके ऊपर जिस तरह अभी घी पोर किया गया है उसी तरह इस पर शुगर सिरप पोर किया जाएगा। फिर सजाने के लिए आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर डालकर सजाना चाहें, इसे डेकोरेट करना चाहें, गार्निश करना चाहें, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आलमंड हो गया, पिस्ताशू हो गया, वॉलनट हो गया, वो सब कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अल्लाह हाफिज़।